वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला 10:30 बजे पटना सिविल कोर्ट के लिए रवाना होंगे। आज 16 अक्टूबर है और आज ही पटना कोर्ट में मुन्ना शुक्ला आत्मसमर्पण करेंगे। जानकारी के मुताबिक मंटू तिवारी के भी आत्मसमर्पण करने की सूचना है। मुन्ना शुक्ला के आत्मसमर्पण करने से पूर्व भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उनके घर व कार्यालय परिसर में जुटी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पण करने पटना जाने के क्रम में मुन्ना शुक्ला के साथ कई समर्थक भी जा सकते हैं। कई समर्थक सरेंडर के दौरान मौजूद रह सकते हैं। बता दें कि पूर्व ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से समर्थकों में बड़ी उदासी छाई हुई है। पूर्वी चंपारण निवासी मंटू तिवारी के भी सरेंडर करने की सूचना है। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद लालू यादव के बेहद करीबी थे। मंत्री रहते बिहार में मेधा घोटाला हुआ था, तब ब्रिज बिहारी प्रसाद जेल भेजे गए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया था। यहीं 13 जून 1998 को उनकी हत्या हो गई थी। हत्याकांड में सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और बरूराज के पूर्व विधायक शशि कुमार राय को आरोपित बनाया गया था। 13 जून 1998 की रात करीब 8 बजे यही वह समय था जब IGIMS परिसर में ब्रिज बिहारी प्रसाद को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। IGIMS में डॉक्टर पारस के वार्ड में उनका इलाज चल रहा था। घटना के दिन पूर्व सांसद रमा देवी भी अस्पताल में थी। बच्चों को पढ़ाई के लिए देवघर जाना था। वारदात के आधा घंटा पहले वे अस्पताल से बच्चों को सामान देने के लिए निकली थीं।